हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अ बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ साइंस की बुक का चैप्टर 5, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो हम लोग जो हमारी डेली लाइफ होती है, इसमें हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि लेमन, नींबू, टर्मरिक यानी कि हल्दी, फिर कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, विनेगर हो गया, ये काफ़ी सारे सब्सटेंस हम लोग डेली के डेली अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं और सबका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है ना। तो लेमन जूस कैसा होता है? खट्टा सा होता है। ऑरेंज जूस भी हल्का सा खट्टा, विनेगर भी हल्की खट्टी होती है, कर्ड खट्टी मीठी होती है, इमली सॉरी टर्मरिड यहाँ पे टर्मरिक था या टर्मरिड था, अच्छा सॉरी, देखिए टर्मरिक जो है ना, टर्मरिक होती है हल्दी, और टर्मरिंड जो है ये इमली होती है। ठीक है, मैंने इसको टर्मरिक पढ़ रहा था पहले। तो इनका टेस्ट अलग अलग होता है। कुकुम्बर का कैसा होता है ना, हल्का मीठा मीठा सा होता है। तो हम लोग को पता लगता है कि कुछ चीज़ें तो सोर होती हैं, कुछ चीज़ें खट्टी होती हैं, और कुछ चीज़ें बिटर होती हैं, कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं, कुछ चीज़ें सॉल्टी होती हैं नमकीन, और कुछ चीज़ें स्वीट होती हैं। तो हम एसिड्स और बेसिस का कैसे पता लगाते हैं? तो देखिए, कर्ड दही हो गई, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, विनेगर होता है सिरका, इन सब का टेस्ट कैसा होता है? सोर। सोर का मतलब होता है ये खट्टे होते हैं, है ना। सोर का मतलब है ये सारे के सारी चीज़ें खट्टी होती हैं। तो दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, कर्ड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें खट्टी होती हैं क्योंकि इनमें एसिड होता है। तो केमिकल नेचर जो है ना इन सारे के सारे सब्सटेंसेस का, वो क्या है? एसिडिक है इनके केमिकल नेचर। और वर्ड जो है ना, ये एसिड, ये एकर वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब होता है खट्टा। और ये जो हो गए हमारे विनेगर हो गए, ये लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे नेचुरल एसिड्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें नेचर में मिलते हैं। लेमन क्या है? फल है, नेचर से मिलता है हमें। और ऑरेंज भी है ना, कर्ड हम लोग दूध से बनाते हैं। बेकिंग सोडा, अब देखिए बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा अगर आप लोग टेस्ट करेंगे तो आपको कड़वा लगेगा, क्योंकि इट ऑल्सो टेस्ट सो क्या, इट्स कड़वा होता है खट्टा। देखिए सोर का मतलब होता है खट्टा, ये आप याद रख लीजिए, सोर का मतलब खट्टा होता है। और बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। करेले को बिटर गार्ड बोलते ना, क्योंकि वो कड़वा होता है। बिटर का मतलब होता है कड़वा। ठीक है, तो जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स के एग्जांपल जैसे कि लेमन जूस हो गया, ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं, काफ़ी वीक होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, तो ये खट्टे होते हैं। और जो बेसिस होते हैं ना, बेसिस जनरली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बिटर इन टेस्ट होते हैं और सोपी इन फील होते हैं। मगर जैसे कि अगर आप लोग उसे छुएंगे ना, आप बेकिंग सोडा को छू के देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा सोप जैसा होता है। क्यों? क्योंकि चिकना नेचर होता है उसका। जितने भी हमारे सोप होते हैं ना, हमारे जो साबुन होते हैं, हर किसी चीज़ में बेस होता है। और ऐसी चीज़ों का जो सोपी टच होते हैं, छूने में सोप जैसे लगते हैं और उनका टेस्ट कड़वा होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बेस बोलते हैं। और नेचर इन सब्सटेंसेस का क्या होता है? बेसिक होता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, बट हम लोग हर सब्सटेंस को टेस्ट तो नहीं कर सकते, नेचुरल चीज़ें खाने की चीज़ों को ही तो टेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हम लोगों को पता लगाना है कि कोई चीज़ एसिडिक है, बेसिक है, तो उसके लिए हम लोग एक स्पेशल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, और उन सब्सटेंस को हम लोग इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, तो इन्हें हम इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर्स जो है अपना कलर चेंज कर लेते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में इंडिकेटर्स कुछ अलग कलर दिखाते हैं, और बेसिक सोल्यूशन में जो है ये लोग कुछ अपना अलग कलर दिखाते हैं। तो टर्मरिक यानी कि हल्दी हो गई, लिटमस पेपर हो गया, चाइना रोज़ हो गया, चाइना रोज़ पेटल्स यानी कि गुड़हल हो गया, ये सारे के सारे नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरली अकर ये करते हैं, मतलब इसका हो गया ये हमें नेचर में ही मिलते हैं, टर्मरिक और लिटमस पेपर। अब टर्मरिक कैसे हुआ? जो हल्दी होती है ना, आपने देखा होगा जैसे कि आपकी वाइट कलर की शर्ट पे अगर हल्दी पड़ जाती है तो वो पीली हो जाती है, और आप उस पर ज़रा डिटर्जेंट लगाइए और उसमें हल्का सा पानी डालिए तो वो आपको लाल दिखेगी, रेड कलर की दिखेगी। तो ये होता है इंडिकेटर। तो हमारे अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिकेटर्स काम करते हैं। तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एसिटिक एसिड किस में होता है? विनेगर, जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। आंट की जो स्टिंग है, मतलब जो चींटी काट लेती है, तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। और जैसे ऑरेंज, लेमन, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, स्पिनिच में ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये, मैं तो डिक्टेट ही करना हुआ, आप ये एसिड्स जो है ना, ये सारे आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिस जैसे कि लाइम वाटर, लाइम वाटर का मतलब होता है अगर आप उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, चूना टाइप जो होता है ना, वही होता है।
और सोप हो गया, ये सारे के सारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे बेस हैं, ठीक है। ऊपर वाले क्या थे, एसिड, और ये सारे के सारे बेस हो गए। अब हम लोगों को नेचुरल इंडिकेटर्स, हमारे आसपास नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, तो एक होता है लिटमस। लिटमस एक नेचुरल डाई होता है, कॉमनली यूज्ड। हम लोग जो ज़्यादातर हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एक लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिस है। ये लाइकन्स होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लाइकन्स से ये निकाला जाता है। इट हैज़ अ मॉव कलर, मतलब पर्पल जैसा कलर होता है। जब अगर उस पर आप पानी डालेंगे ना, तो पर्पल कलर आपको दिखेगा, और जब आप इस पर एसिड डाल देंगे तो ये पर्पल से किस में हो जाएगा, पर्पल से एसिड में। अगर आप एसिड डालेंगे लिटमस में तो ये रेड हो जाएगा, और अगर आप उसमें बेस डालेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। मतलब पर्पल था पहले, पर्पल था, आपने बेस डाला तो ये बिल्कुल ब्लू कलर का हो गया। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन की पानी जैसे फॉर्म में भी होता है, और स्ट्रिप्स की। आपको आई गेस स्कूल में जब आप लोग जाएंगे तो टीचर्स एक लिटमस पेपर का एक्सपेरिमेंट कराते हैं। सिंपल सी पतली सी स्ट्रिप होती है, ब्लू से कलर की होती है, पर्पल कलर की होती है एक्चुअली। उसमें आपको नींबू का पानी नहीं चढ़वाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, और फिर उसके बाद अगर आप साबुन लगा देंगे उस पर तो वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा। लिटमस पेपर काफ़ी ज़्यादा मतलब इजीली अवेलेबल होता है, अवेलेबल एज रेड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर जो है इसके फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। तो ये लिटमस का ये रहा, इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो लाइकन्स है ना, लाइकन्स, लाइकन्स से हम लोग लिटमस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेते हैं। और इस तरीके से पेपर दिखता है, ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। रेड लिटमस पेपर जो है ना, ये बेस टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हम इस पर कोई भी बेस डालते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर देता है, है ना। और ब्लू किसके लिए, हम लोगों को ब्लू जो है वो हम एसिड टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, एसिड का टेस्ट करने के लिए। तो मतलब उल्टा हो जाता है, अगर रेड कलर का है तो हम बेस का टेस्ट करेंगे, और ब्लू कलर का है तो हम एसिड का टेस्ट उस पर करेंगे। देखिए यही इसमें एक्टिविटी में बताया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो कुछ अलग तरीके के सॉल्यूशंस भी होते हैं, द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ईदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो ऐसे सॉल्यूशंस, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जैसे कि पानी हो गया। आप लिटमस पेपर में पानी डालेंगे तो वो अपना कलर नहीं बदलेगा। तो पानी जो है ना, वो ना ही एसिडिक होता है, और ना ही जब उसका पीएच 7 है तो ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। तो वो जो लिटमस पेपर है उसका कलर को वो चेंज नहीं करेगा। अब टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। तो बिल्कुल वही है, एक्टिविटी में भी बताया गया है कि आपके वाइट कलर के कपड़े पे अगर कोई दाग लग जाए हल्दी का, फिर अगर आप उसे डिटर्जेंट डालेंगे या सोप डालेंगे तो वो रेडिश कलर का हो जाता है। अब आपको बताया गया है कि आप लोग लाइम वाटर या चूना कैसे बना सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है टम्बलर, मतलब एक मग्घे में, और उसमें आपको चूना डाल देना है, उस सॉल्यूशन को घुमाना है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा लाइम वाटर उसमें से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप लाइम वाटर सॉल्यूशन बना सकते हैं और उसमें टेस्ट कर सकते हैं। और एक ग्रीटिंग कार्ड के बारे में बता रखा है कि आप एक पहले पेपर पे हल्दी लगा दीजिए, उसे सुखा दीजिए, और उसके बाद आप सोप के सॉल्यूशन से उस पर कोई भी डिज़ाइन बना दीजिए, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो अब दूसरा एक और नेचुरल इंडिकेटर है चाइना रोज़ एज इंडिकेटर। चाइना रोज़, या फिर आप उसे गुड़हल, गुड़हल का जो फूल होता है उसको आप लोग तोड़ लीजिए, और उसको मतलब थोड़ा सा मसल लीजिए, और उसको पानी मिला दीजिए, और इंडिकेटर, ये आपका इंडिकेटर बन गया। तो पानी आप मिला देंगे उसको थोड़ा सा मसल करके, तो वो पिंकिश, देखिए लाइट पिंक कलर का रहता है, ठीक है, लाइट पिंक कलर का। आप जब इसमें एसिड डालेंगे तो ये मैजेंटा कलर बन जाता है, है ना, एसिड डालेंगे तो। और अगर आप बेस डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का बन जाता है। तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है, तो ये हम लोगों को इससे पता लग जाता है। तो वही है कि आप उसमें वार्म वाटर डालिए, मिक्सर को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर आप देखेंगे कि जो चाइना रोज़ है वो एसिडिक सॉल्यूशन को मैजेंटा कलर में, डार्क पिंक कलर में चेंज कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। फिर वही है, फिर मतलब आपकी एक्टिविटी है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या होता है, एसिड होता है, और फिर उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड्स होते हैं। इनका इफेक्ट क्या होगा लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर को क्या कर देंगे,
इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर और इफेक्ट ऑन चाइना रोज, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी आपको स्कूल में कराई जा सकती है। मे बी लिटमस पेपर, क्योंकि ये एसिडिक है तो ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। टर्मरिक के पेपर को एसिड क्या कर देगा, क्योंकि टर्मरिक तो खुद ही क्या होता है, एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्मरिक को कोई चेंज नहीं करेगा क्योंकि एसिड एसिड पे चेंज नहीं डालता। चाइना रोज में क्या कर देगा, मजेंटा कर देगा। आई थिंक आपको ये समझ नहीं आया होगा कि टर्मरिक के पेपर को उसने क्या किया, सेम कलर का, जैसे येल्लो था तो येल्लो का येल्लो ही क्यों रहने दिया, क्योंकि टर्मरिक खुद ही एक एसिड है, ठीक है। और अगर आप एसिड के ऊपर एसिड डालेंगे तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें एसिड रेन के बारे में हमें बताया गया है। एसिड रेन एक काफ़ी ख़राब सा फिनोमेना है। इसके इसमें क्या होता है, हमारे पानी में एसिड्स मिल जाते हैं। कौन कौन से एसिड हमारे पानी में मिल जाते हैं, अगर हम लोग रेन में बहुत ज़्यादा एसिड होते हैं, हमारी जो बारिश होती है उसमें काफ़ी सारे एसिड अगर मिल जाते हैं तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये एसिड्स कहाँ से आते हैं, ये एसिड्स हमारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, हमारे व्हीकल्स से निकलते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स का मतलब है एयर को गंदा कर देते हैं, और जब ये बारिश की बूंदों के साथ मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और जो एसिड रेन है ना, वो बिल्डिंग्स को, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, जो बहुत ही पुराने समय से बने हुए हैं और हमारी धरोहर है, काफ़ी घूमने की जगह, फोर्ट्स वगैरह, और प्लांट्स और एनिमल्स को भी एसिड रेन नुकसान पहुंचाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में फॉर श्योर आना ही है कि वॉट इज एसिड रेन एंड वॉट आर इट्स इफेक्ट। एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन होती है अगर हमारी बारिश में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है और वो क्या बन जाती है, रेन ड्रॉपलेट्स कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसे एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन डैमेज कर सकता है, मतलब ख़राब कर सकता है हमारी बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को भी बहुत नुकसान ये पहुँचा सकता है। अब ये बताया गया है कि हम लोगों को ध्यान से जो एसिड्स और बेसिस होते हैं ना लेबॉरेटरी में, उसको उठाना चाहिए, क्योंकि वरना अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब आता है न्यूट्रलाइजेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि एसिड्स जो टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में, और बेसिस टर्न कर देते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, तो एक एक्टिविटी कर रहे हैं किस इंडिकेटर से, हेल्प से, फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन एक दूसरा इंडिकेटर है। तो क्या किया है ना कि टेस्ट ट्यूब में फिनोप्थिलीन ले लिया, आपने टेस्ट ट्यूब में फिनोप्थिलीन ले लिया, यहाँ से देखे देखते हैं ये एक्टिविटी जो यहाँ पे हो रही है कि आपने एक उसमें फिनोप्थिलीन ले लिया, फिर एक में आप डाल देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको इसका तो पता ही लग गया कि ये एसिड होता है। फिनोप्थिलीन जो है ना वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है, पिंक, ठीक है। और जब आपने इस टेस्ट ट्यूब में ना देखिए फिनोप्थिलीन लिया है, हाँ ये देखिए ये क्या है, ये है फिनोप्थिलीन। अगर आप फिनोप्थिलीन में एसिड डालेंगे तो आपका फिनोप्थिलीन है, कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर। तो अगर आप लोग इसमें डालते रहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप डालते रहेंगे तो पिंक कलर जो है ना उसका, फिनोप्थिलीन का, वो मतलब पानी जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद एड वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, फिर आपका पानी जैसा हो गया, आपने HCl डाल दिया तो आपने देखा कि वो फिर से द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। तो देखिए ये वाली एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसको स्टार्टिंग से ही हम पढ़ते हैं। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने टेस्ट ट्यूब में HCl लिया है, फिर आप उसका कलर नोट कर लीजिए, आपने कलर नोट कर लिया, ठीक है। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन, फिर आपका जो फिनोप्थिलीन है ना उसका कलर आप नोट कर लेंगे, ठीक है। फिनोप्थिलीन ना पिंक कलर का होता है, ठीक है, और HCl जो है वो कलरलेस होता है। फिर आप ऐड करेंगे 2 से 3 बूंदे किसकी, एसिड की। तो आपने यहाँ पे फिनोप्थिलीन लिया हुआ था, फिनोप्थिलीन में आपने 2-3 बूंदे एसिड की डाली, फिर आपने उसको फटाफट से शेक कर दिया, तो क्या उसका कलर चेंज होगा, अभी देखते हैं। एड द एसिडिक सॉल्यूशन, एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद अ ड्रॉपर। आपने एसिड था यहाँ पर, HCl था, फिर आपने इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है। और फिर आपने टेस्ट ट्यूब फिर से हिला दी, क्या कलर में कोई चेंज हुआ है। आप अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे सॉल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो क्या हो जाएगा, टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयर्स,
अब क्या हो रहा है इसमें, नाउ ऐड वन मोर ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl, आपने फिर से एक और डाइल्यूट HCl डाल दिया, फिर आपने देखा कि सॉल्यूशन फिर से कलरलेस हो गया। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि सॉल्यूशन बिकम बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होता है तो फिनोप्थलीन पिंक कलर देता है। मतलब अगर ऐसा है, देखिए सिंपल भाषा में NaOH है, बेस है, ठीक है, अब बेस है और यहाँ पे हमारा फिनोप्थलीन है, ठीक है, फिनोप्थलीन है, अगर ये बेस था यहाँ पर, आपने फिनोप्थलीन की दो तीन बूंदें डाल दी ना, तो बेस क्या बन जाएगा, बेस पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है, आपने बेस डाला, ठीक है, बेस में आपने फिनोप्थलीन डाला तो क्या हो जाएगा, बेस पूरा का पूरा पिंक कलर का हो जाएगा। और अगर आपने एसिड में फिनोप्थलीन डाला तो नो चेंज, कोई चेंज होगा ही नहीं, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अगर आप बेस में फिनोप्थलीन डालते हैं तो वो पिंक हो जाता है, और अगर आप एसिड में डालते हैं तो वो रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस ही रहता है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि जब एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स होता है तो दोनों के दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के असर को नलीफाई कर देते हैं। मतलब आपने HCl में NaOH, आपने एसिड में बेस डाल दिया तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। जब एसिड के सॉल्यूशन में बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो बोथ द नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर आर डिस्ट्रॉयड। मतलब अगर आपने एसिड में बेस डाल दिया या फिर बेस में आपने एसिड डाल दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, ना ही वो सॉल्यूशन एसिड रहेगा और ना ही वो सॉल्यूशन बेस रहेगा। मतलब एसिड और बेस अगर हम साथ में मिला देते हैं ना तो अपने इफेक्ट को वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग न्यूट्रलाइज्ड सॉल्यूशन कहते हैं और प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें हीट इवॉल्व होती है, बस मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट जो है ना वो इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होती है ना उसमें एक सॉल्ट बनता है, मतलब एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस जो होते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन है, एसिड और बेस जो है जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बन जाता है और हीट इवॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है ना उसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये वाटर और हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जैसे कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो वो सोडियम क्लोराइड बना देंगे, यानी कि नमक सॉल्ट बन जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, डेली की लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ काम करता है, आपका इनडाइजेशन, तो हमारा स्टमक में, हम लोगों ने बायो में पढ़ा था अभी फर्स्ट चैप्टर में कि हमारा जो पेट होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारी खाने में, खाने को पचाने में हेल्प करता है। बट अगर बहुत ज़्यादा एसिड हो जाए तो हम लोगों को इनडाइजेशन हो जाता है, हमारा खाना पचता नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है ना तो हम लोगों को एंटासिड लेने चाहिए, एसिड का तोड़ लेना चाहिए, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो एसिड को हमारी बॉडी में कम कर देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है हमारी बॉडी में, और वो हमारी बॉडी से एसिड जो है ना, एसिड को वो कम कर देता है। इनडाइजेशन में हमारी बॉडी में एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी लेते हैं। चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं जब हम लोगों को एसिडिटी बनती है या फिर हम कोई एंटासिड ले लेते हैं। आंट बाइट, जैसे चींटी काट ले तो चींटी की जो काटती है तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। और अगर आपने, आप चींटी ने आपको काट लिया है तो आप अगर उस पर कोई बेस लगा दें या फिर आप साबुन से भी हाथ धो लें तो आपको जलन कम होती है। तो न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, आपके घर में बेकिंग सोडा होगा तो उसको आप रब कर लीजिए, और कैलामाइन सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं जिसमें जिंक वगैरह हो, मतलब आप बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, उससे आंट की बाइट का जो असर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉइल ट्रीटमेंट में क्या होता है, कहीं पर हमारी जो सॉइल है हम उसमें इतने ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं कि सॉइल एसिडिक हो जाती है और प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक हो गई है सॉइल तो आप उसमें बेसिस डाल दीजिए, जैसे कि चूना डाला जाता है या फिर क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है। और सॉइल अगर बेसिक है
तो आपको क्या डालना होता है, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट जैसा उसमें मिला दिया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एसिड रिलीज कर देता है और न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब अगर ज़्यादा एसिड हो गया है तो आप बेस डाल दो, ज़्यादा बेस हो गया है तो एसिड डाल दो। ये एग्जाम्पल है, आप याद रख लीजिए न्यूट्रलाइजेशन के, इंडाइजेशन, सॉइल ट्रीटमेंट, आंट बाइट, ठीक है। और फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं ना, काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो काफ़ी सारा वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, फैक्ट्रीज के काफ़ी सारे वेस्ट में एसिड होता है, अगर उनको हम बॉडी पानी में ऐसे ही बहना बहाने के लिए छोड़ देंगे तो काफ़ी सारे एसिड्स जो है ना वो फिश को मार देंगे। तो फैक्ट्री वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, उसमें एसिड होता है तो उसमें हम बेसिस मिला देते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।